साहब आपको कैसा लगा, आपकी जीत हो गई 54 वोटों से, आपकी जीत हो गई, आपको कैसा लगा फरीद साहब जी? देखिए वैसे जब आपको तो ये पता ही होगा, मालूम होगा कि जब अंदर काउंटिंग हॉल में आदमी होता है तो दिल की धड़कनें जो है तेज होती जाती हैं, क्योंकि आदमी सोचता है पता नहीं अभी क्या होने वाला है, क्या होगा, मेरे हक में जीत होगी या दूसरे के हक में होगी। तो बहरहाल आपको मालूम ही है कि हमारे जो अपोजिट कैंडिडेट थे वो भी मेरे अपने थे, कोई पराया ही नहीं थे वो भी। तो जिस वक्त काउंटिंग शुरू हुई तो मैं लीड कर रहा था, तो लीड जब मेरी लीड होने लगी तो मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी रफ्तार कम पकड़ने लगी। तो जब काउंटिंग आगे बढ़ती गई तो यहाँ तक मामला पहुँच गया कि 121 वोट मुझे मिले, और जो मेरे अपोजिट जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे जो सुरैया बेगम, तो उनको जो है सिर्फ 64 वोट मिले हैं, और मेरी जो जीत हुई है 56 वोटों से, ये मेरी जीत नहीं हुई है, ये मेरे लोगों की जीत हुई है, मेरे वार्ड के लोगों की नहीं, मेरी पंचायत के लोगों की जीत हुई है। और ये मैं सुख से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ पर मेरे लोगों का पसीना गिरेगा वहाँ मेरा खून गिरेगा, जो भी मुझ तक होगा, जहाँ तक मेरा जो जायज़ जो मुतालबात होंगे वो मैं पूरा उन पर खरा उतरूँगा और पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। चलो शुक्रिया जनाब फरीद साहब।